स्पेशली जो मेरे साथ में हुआ है कि कई बार मैं सो रही हूँ, ब्रेस्ट लीक कर रही है तो बेड गीला हो गया, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए, उस एम्बेरसमेंट को अवॉइड करने के लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल है इसको यूज करने का। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त गरिमा और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि ब्रेस्ट पैड जो है वो क्यों यूज़ किया जाता है, क्या काम है उसका, किस तरीके से उसको यूज़ करना चाहिए और कौन सा ब्रेस्ट पैड जो है वो अच्छा है। ये सारी डिटेल्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। सो देन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें ब्रेस्ट पैड, जैसे मदर्स जो हैं बेबी डिलीवर करती है, तो बेबी डिलीवर करने के बाद में मिल्क, ब्रेस्ट जो है वो मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। सो जब बच्चा जब लैच करता है तो और मिल्क प्रोड्यूस होता है, तो कभी कभार होता है बॉडी कम दूध प्रोड्यूस करती है और कभी कभार होता है मदर्स की जो बॉडी है वो ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करती है। सोते सोते भी आपका मिल्क जो है वो प्रोड्यूस होता है, कभी कभार आप बैठे हो तो भी मिल्क प्रोड्यूस होता है। और उस मिल्क प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है, जिससे कि जो ब्रेस्ट जो है वो मिल्क जो है वो लीक होना शुरू हो जाता है ब्रेस्ट में से। सो जब मिल्क लीक होना शुरू हो जाता है, आप सपोज बैठे हो, लेटे हो, तो क्या होता है कि कई बार आपका स्पेशली जो मेरे साथ में हुआ है कि कई बार मैं सो रही हूँ, ब्रेस्ट लीक कर रही है तो बेड गीला हो गया, आपका जो एरिया साइड में जो बेड गीला हो गया, कपड़े गीले हो गए, आपकी ब्रा गीली हो गई, सो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है और बहुत एम्बैरेसिंग भी होता है। सपोज़ अगर आप बीच में बैठे हैं, सब लोगों के साथ में बैठे हो और ब्रेस्ट लीक होना शुरू हो जाता है तो वो कपड़ा जो है वो कम्प्लीटली आपका गीला हो जाएगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, उस एम्बैरेसमेंट को अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं ब्रेस्ट पैड्स। बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। कुछ कुछ मदर्स की जो ब्रेस्ट है वो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है तो वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट पैड्स को यूज़ करती हैं और यूज़ करना भी चाहिए, सो एज टू अवॉइड दैट लीकेज। गंदगी नहीं होगी, मेसी नहीं होगा आपका जो कपड़े वो मेसी नहीं होगा, आपको चिपचिपाहट फील नहीं होगी, क्योंकि जो मिल्क होता है वो थोड़ा सा स्टिकी तो होता ही है, सूखने के बाद में अनकम्फर्टेबल महसूस होता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए, लीकेज ब्रेस्ट को अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं ब्रेस्ट पैड्स। सो मैंने जो यहाँ पर यूज़ किया था वो था कीको का। अलग अलग ब्रांड्स के बहुत आ रहे हैं, कीको का मैं अमेज़न का लिंक आपको शेयर कर दूंगी। मैंने थोड़े ओपन पैड्स में से लिया था, मैंने कम्प्लीटली, इसके बॉक्सेस आते हैं, 60 पीस का बॉक्स भी आता है कीको का, बट आई प्रेफर्ड, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बहुत ओवर लीकिंग नहीं हो रहा था या लीकेज इस तरीके से नहीं हो रहा था कि मेरे को कॉन्स्टेंटली ब्रेस्ट पैड्स यूज़ करना पड़े, इसलिए मैंने इस तरीके के पैकेजेस खरीदे थे। सो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है इसको यूज़ करने का, जो प्रोसीजर है बहुत सिंपल है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, दूसरी बात, आपको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करना। ऐसा नहीं है कि भाई आपकी ब्रेस्ट लीक भी नहीं हो रही है तो भी आप ब्रेस्ट पैड को लगा रहे हैं, इस तरीके से यूज़ नहीं कर। जब ज़रूरत है तभी आप ब्रेस्ट पैड्स को लगाइए, जब ज़रूरत नहीं है, ब्रेस्ट लीक नहीं करिए तो ब्रेस्ट पैड्स को नहीं लगाइए। आपकी स्किन को ब्रीथ करने दीजिए, तो स्किन को ब्रीथ करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो नाउ आई हैव गॉट दिस पैकेट, आई विल ओपन दिस पैकेट। ये मैं इस तरीके से पैकेट को ओपन कर लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरीके से कवर में आता है और यहाँ पर मेरे पास में दो पीसेस हैं दोनों ब्रेस्ट के लिए। अब मैं इस पैकेट को खोलती हूँ। ये मैंने ऐसे इस तरीके से पैकेट को खोल लिया एंड जो ये ब्रेस्ट पैड है ये राउंड शेप का होता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक टेप चिपका हुआ है। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये यहाँ पर एक टेप चिपका हुआ है। ये वाला जो साइड है आप अपनी ब्रेस्ट जो ब्रा होती है उसकी तरफ स्टिक कर सकते हैं। सो अब मैं आपको इसको यूज़ करना दिखाती हूँ कि किस तरीके से यूज़ होता है। बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ब्रेस्ट फ्रेंडली है, एंटी बैक्टीरियल है, कपड़ा जो है इसका बहुत सॉफ्ट और बहुत स्मूथ है, जो आपकी स्किन को बिल्कुल सेफ रखेगा, स्मूथ रखेगा, इरिटेट नहीं करेगा। सो अब मैं क्या करूँगी, ये अंदर का पार्ट है ब्रा का, अंदर का पार्ट है, ये देखिए ये इस तरीके से ये अंदर का पार्ट है, मैंने इसको ऐसे कर लिया और अब मैं जो यहाँ पर जो टेप लगा हुआ है उसको मैं यहाँ पर इस तरीके से चिपका दूँगी। यहाँ पर इसको स्टिक करने के लिए स्टिकर दे रखा है और अब मैं यहाँ पर अपनी इनर लूँगी। यहाँ पर मैंने अपना ब्रा लिया और अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से स्टिक करते हैं। सो ये रहा इनर पार्ट ऑफ माय ब्रा
और यहाँ पर ये जो स्टिकर दे रखा है इसको हम पील कर लेंगे। ये मैंने स्टिकिंग साइड का जो पीलर है इसको हटा दिया है, और जहाँ से ये स्टिक करता है इस तरीके से मैंने ब्रा के इनर पार्ट पे ऐसे लगा दिया। पीछे के टेप को ऐसे पील ऑफ करूँगी, यहाँ पर मैंने पील ऑफ कर दिया, और ये आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो ब्रेस्ट का जो इनर ब्रा का जो इनर पार्ट है वो मैंने इस तरीके से ऐसे चिपका दिया। तो अब ये मेरी पूरी जो ब्रेस्ट है उसको कवर कर रहा है। अब क्या है, ये पूरा जो एरिया है वो कवर करेगा मेरी जो ब्रेस्ट का, कम्प्लीटली कवर करता है। यहाँ पर अच्छी तरीके से अगर मिल्क जो ऊज आउट करेगा ब्रेस्ट में से, लीकेज होगी, उसको कम्प्लीटली सोक कर लेगा। सोक करने के बाद में जब आपका लगे कि अब मिल्किंग नहीं हो रही है या फिर ओवर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, लीकेज नहीं हो रही है ब्रेस्ट में से, तो आप इसको ईजिली रिमूव भी कर सकते हैं। और जब आपको पहनना हो इस तरीके से, आप ये देखिए अंदर जो कप के अंदर इस तरीके से ये अटैच हो जाएगा, बिल्कुल भी हिलेगा डुलेगा नहीं, और पूरा जो ब्रेस्ट है आपकी कवर हो जाएगी। कहीं पर भी लीकेज होने का कोई मतलब नहीं है, अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है, और यहाँ पर भी आपको जो ब्रा पर है वो स्टेन्स वगैरह नहीं आएंगे, आपके कपड़े जो हैं वो गंदे नहीं होंगे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल, इजी टू यूज़ और बहुत हैंडी है, स्पेशली फॉर दोज मॉम्स जो कि जिनका प्रोडक्शन जो मिल्क प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड प्लीज़ अपने कमेंट मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे पता चलता रहेगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, क्या क्वेश्चंस हैं, एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस फॉर श्योर। थैंक यू सो मच।